जब मतलब कार्तिक महक के घर से वापस आ गया है तो हम लोग इतने टाइम बाद एक दूसरे से अच्छे से बात करने का मौका मिला है, तो वो इतने टाइम का जो प्यार था वो एक साथ प्यार उमड़ रहा है। सर भी काफ़ी टाइम से परेशान थी, बोल रही थी कि यार हमारा कोई रोमांटिक सीन नहीं आ रहा, रोमांटिक सीन नहीं आ रहा। तो इन्होंने पता नहीं राइटर को बोला पता नहीं शायद कि भी हमारा कोई रोमांटिक सीन डालो, वैसे मजाक करो, इन्होंने कुछ नहीं बोला ऐसा। सुरभि और कार्तिक दोनों अलग हो गए थे और काफ़ी टाइम के बाद एक रोमांटिक सीन आया, तो आई थिंक ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा कि काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों को एक अलग ही केमिस्ट्री में देखेंगे, रोमांस देखेंगे हमारा, तो आई थिंक मज़ा आने वाला है। कीप वाचिंग ये वादा रहा आपको अभी आने वाले टाइम में। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। या कीप लविंग अस, सपोर्टिंग अस लाइक दिस ओनली। जो लोग कार्वी फैंस हैं प्लीज कीप वाचिंग ये वादा रहा आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे रोमांटिक सीन्स देखने को मिलेंगे और यही हमारी केमिस्ट्री बरकरार रहेगी, सो प्लीज कीप वाचिंग ये वादा रहा। थैंक यू सो मच।